दोस्तों, आए दिन आपने देखा होगा कि जो छेड़ाछाड़ी की आईपीसी 354 का जो मुकदमा है, 354 का जो लज्जा भंग करने का होता है, हर कोई महिला इसको बहुत तरह से यूज करती है आज के डेट पे। सबको पता है कि ये पूरी तरह से झूठा होता है, 70-90% ही मामला झूठा भी होता है। चाहे इसमें पारिवारिक कोई विवाद हो आपके, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का विवाद हो, आपके कोई रिलेटिव हो, चाहे आपकी भाभी लगती हो मतलब आपके भाई की पत्नी हो, चाहे आपके अड़ोसी पड़ोसी में कोई ज़मीन का विवाद हो, महिलाओं को उसमें आगे कर दिया जाता है और छेड़ाछाड़ी का आरोप लगा दिया जाता है। हर किसी में आज की डेट पे महिला को आगे कर देते हैं और झूठे आरोप लगा के जेल कराने की कोशिश करते हैं। एक तरह से बदले की भावना से एक तरह से महिलाओं को यूज किया जाता है। पारिवारिक विवाद भी होते हैं, चाहे वो आपकी कोई क्लिक हो, चाहे आपकी ऑफिस की कोई महिला मित्र हो, चाहे वो आप कहीं पब्लिक प्लेस पर किसी महिला से आपकी अनबन हो जाती है तो वहाँ पर भी महिला आपको जेल कराने की धमकी देती रहती है। आए दिन आपने देखा होगा एक लखनऊ का वीडियो वायरल हुआ था, लड़की का, सभी ने देखा होगा। हर जगह ऐसी कहीं ना कहीं दिक्कत आती रहती है। एक जोमोटो वाला था, उसकी भी हुई थी। ये सब सामने आने के बाद हर कोई लड़का आज की डेट में सचेत भी हो चुका है, लेकिन जानना चाहता है कि इसका क्या परफेक्ट सॉल्यूशन होता है। दोस्तों, आए दिन आपने देखा होगा मैक्सिमम पारिवारिक का अपना चैनल है, यहाँ पे मैक्सिमम ये आता है कि आपकी भाई की पत्नी जो होती है आप पे, आप चाहे वो देवर पे हो, चाहे वो पिताजी पे हो, चाहे वो आपके कोई रिलेटिव जीजाजी हो, किसी पे भी एक छेड़ाछाड़ी की आईपीसी 354 की सेक्शन में पुलिस FIR दर्ज करा दी जाती है। 498 के साथ में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, इसके बाद लोग डर जाते हैं। तो इसका परफेक्टली सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पर पूरी डिटेल में आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अब प्रॉपरली टॉपिक पर ही बात करेंगे। काफ़ी कोशिश किया लोगों को समझाने की, लेकिन लोग को समझ नहीं आने वाली, इस वजह अपन प्रॉपरली टॉपिक पर अब बात किया करेंगे। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर ले तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेकंड बात, आप मुझसे बात करना चाहते हो, इंस्टाग्राम का लिंक होता है, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना। आजकल आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं लाइव आता रहता हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन। मान लीजिए अगर ऐसा कोई विवाद है जिसमें आपके पास आपके खिलाफ, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे कहीं ओपीसी क्लिक हो, कोई भी हो, देखो आज की डेट में हर जगह सीसीटीवी कैमरे होते हैं। सबसे पहले बात तो आप इम्पोर्टेंट याद रखिए, पुलिस FIR दर्ज हो चुकी है आपके खिलाफ, तो सबसे पहले आप पुलिस से IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उनसे मिलने की कोशिश किया करो हमेशा। अब आपके खिलाफ 354 की FIR हो चुकी तो आप डायरेक्टली मिलोगे नहीं, तो आप किसी भी वकील साहब को साथ जाइए या कोई भी आपके सीनियर है, आपके परिवार से कोई बड़े लोग हैं उसको भेजिए, IO से बात करिए प्रॉपरली, और आपके पास बेगुनाही के सबूत है वो रखने की कोशिश कीजिए। एक एफिडेविट के साथ, शपथ पत्र के साथ आप दीजिए IO साहब को कि साहब मेरी जो भाभी है उस टाइम पे अगर ये बता रही है, उस समय मैं कहीं भी था, चाहे वो आप किसी ऑफिस में हो, चाहे दूसरी सिटी में हो, आप अपना CDR निकाल के भी लगा सकते हो उसमें। IO साहब को पूरा प्रॉपरली अपनी बेगुनाही के सबूत देने की कोशिश कीजिए। अगर कोई पब्लिक प्लेस पे किसी के साथ छेड़ाछाड़ी मारपीट हो रही है और कहीं महिलाएं जो थप्पड़ उठा देती है इस तरह से, तो वहां पे भी कोई वीडियो होगा, CCTV कैमरा होगा, और कोशिश करिए ऐसी सिचुएशन पे आप अपने CCTV कैमरा जरूर घर पे रखें, क्योंकि आजकल सबको पता पड़ जाता है कि ऐसी सिचुएशन होने पर कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप IO साहब से मिलिए, पुलिस वाले से मिलिए, कोशिश करिए उसमें एक शपथ पत्र देके आपके पास बेगुनाह के जितने भी सबूत है, चाहे वो आप बाहर थे कहीं भी थे, तो आप वहां पे कोशिश कर लीजिए। हो सकता है IO साहब आपकी सुनवाई करेगा और आपके जो FIR हुई इसको क्लोजर रिपोर्ट में चेंज भी कर सकता है, या इस सेक्शन को हटा भी सकता है, जिसे 498 केस में काफ़ी यूज की जाती है, तो वहाँ से हटा देगा, और साथ में आपके भाई का, चाहे आपके जीजाजी का या कोई पिताजी के नाम पर लगी, इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन कहीं पर क्या होता है दोस्तों कि लोगों को लगता है कि पुलिस डर करेगी, पुलिस मानती भी नहीं, इसमें आपकी बात को नहीं मानती इस सिचुएशन में, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? देखो, इसमें फिर आपके एक पास लोग सोचते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल लगाना चाहिए हमको। तो देखिए, एंटीसिपेटरी CRPC 438 में 438 में जाने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे भी जज साहब के सामने जो शपथ पत्र आप IO साहब को दे रहे हो वो आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो कि साहब मेरी बेगुनाही के मैं पूरे सबूत IO साहब को देने की कोशिश किया हूँ, लेकिन फिर भी IO साहब मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है। तो आपको वहाँ पे भी एंटीसिपेटरी बेल मिलने में इसका सपोर्ट मिल जाएगा पूरी तरह से। लेकिन बात करते कहीं पर कि साहब पूरी तरह ही झूठा था मामला, तो क्योंकि मेरे जीजाजी पे उन्होंने ऐसे लगाया, या पब्लिक प्लेस पे मेरे पास वीडियो उस समय का, उसने मेरे साथ मारपीट की, पब्लिक लोगों ने भी उसका वीडियो बनाया, चाहे वो गर्लफ्रेंड थी किसी भी तरह की थी, तो उस सिचुएशन में फिर आप एक काम कीजिए, 482 में चले जाइए, चाहे वो पारिवारिक मामला हो चाहे किसी के भी तरह हो। 354 अगर आपके पिताजी पे, भाई पे, किसी पे और लगाई गई है पारिवारिक मामले में, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड लगाई है, चाहे आप ऑफिस की फ्रेंड लगाई है, तो आप पूरे जब आपके पास बेगुनाह के पूरे सबूत होते हैं तो आप डायरेक्टली 482 में चले जाइए। 482 में आपका 99.101% अगर आपके पास बेगुनाह की सब कुछ है तो आपका केस हो जाएगी FIR पूरी तरह से, और आपका नाम भी निकल जाएगा। जी हाँ,
तो 354 जैसे मामले अगर झूठे हो रहे हैं आप पे, तो बिल्कुल आप डरे ना कभी। देखो लोगों के एक मेंटलिटी भावना ऐसी बना दी कि साहब महिला का मामला गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हर किसी को इस चीज़ पे डराया जाता है आज की डेट पे। तो आपको जब आप गलत हो ही नहीं तो आपको डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो आप डायरेक्टली 482 में जाइए और रिक्यूज करा दीजिए, और उसके बाद अगर आप ऐसा हुआ है और जानते हुए तो 209 और 211 की एक IPC में एक क्रॉस केस कीजिए, और डिफेमेशन 499 भी कीजिए, और ऐसे लोगों को सबक सिखाइए अच्छे से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।